के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी सहित चार प्रदेशों में भाजपा की शानदार जीत के साथ काशी में सभी 8 सीटों पर जीत के बाद जगह जगह मनाया गया जश्न। पूरी काशी दिखी भगवा में, भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ जमकर थिरके। जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने खेली होली, बाटी मिठाइयां। और वाराणसी में मतगणना के दौरान पहाड़िया मंडी में रही सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल करते हुए यहां की सभी 8 सीटों पर अपने गठबंधन के साथ दोबारा कब्जा जमाया है। सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जा रही श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाली शहर दक्षिणी पर कांटे के मुकाबले में विजय हासिल की। जिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। जिले के 8 विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने 7 मार्च को अपना मतदान किया था। इस बार जिले में 60.59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं देर शाम शहर दक्षिणी के सीट पर जीत की संभावना बढ़ने के साथ ही 8 विधानसभा पर भाजपा की जीत की खुशी पर पीएम के संसदीय कार्यालय पर ढोल व नगाड़े बज उठे और अंदर बैठे सभी भाजपाई बाहर सड़क पर निकलकर उत्साह जताने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दोबारा 8 सीट भाजपा के खाते में जाने से पार्टी भी काफी उत्साहित है। वाराणसी जिले के 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा व उसके सहयोगी संगठनों की जीत का जश्न पीएम नरेंद्र मोदी के गुरुधाम चौराहे पर स्थित संसदीय कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान अबीर गुलाल उड़े तो मिठाइयां वितरित की गई। भाजपा की महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े की आवाज पर जमकर नृत्य किया। जीत की जश्न का माहौल चुनाव परिणाम आते ही बनने लगा था। कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ता बैठे थे। जैसे ही शहर दक्षिणी का चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आया, सभी कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए। खुशी का आलम यह था कि कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने खुद ढोल संभाल कर बजाना शुरू कर दिया। भाजपा की महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक डॉक्टर हरिंद्र राय, गौरव पांडे, जया प्रकाश सिंह, गीता शास्त्री आदि शामिल थे। पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह, शिवपुर से अनिल राजभर, सेवापुरी से नील रतन सिंह पटेल, अजगरा से टी राम, रोहनिया से सुनील पटेल, वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिणी से डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव। वाराणसी दक्षिणी में 25वें चक्र व अंतिम चक्र के बाद कुल प्राप्त मत के आधार पर नीलकंठ तिवारी किशन दीक्षित से 10,722 वोट से चुनाव जीत गए। वहीं इसके पूर्व दोपहर 12 बजे भाजपा ने सभी 8 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली। वहीं यूपी में जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ता जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों के साथ साथ बाबा नहीं बुलडोजर बाबा है के नारे लगाते हुए आपस में गले मिलकर रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते सड़कों पर नजर आए। पार्टी कार्यालय पर योगी मोदी के समर्थन में नारों का दौर प्रदेश में परिणाम को देखते हुए दोपहर से ही शुरू हो गया था। दोपहर 2 बजे भाजपा कई सीटों पर निर्णायक बढ़त की ओर है। हालांकि शहर दक्षिणी में मंत्री नीलकंठ 18वें राउंड में सपा 2000 से अधिक मतों से पीछे रहे। वहीं 19वें राउंड में फासला बढ़कर करीब 7000 मतों का हो गया। इसके बाद अगले राउंड में फासला कुछ कम हुआ और यह 4000 के करीब आ पहुंचा। आखिरकार फासला कम होता गया और नीलकंठ की जीत के साथ ही वाराणसी 8 सीटें भाजपा के पाले में आ गई। मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़िया मंडी में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की थी। पांडेपुर से पहाड़िया की ओर जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया जा रहा था। केवल मतदान कार्य में लगे लोग, मीडिया कर्मी व पास धारकों को अंदर जाने दिया जा रहा था।
समय हम पहाड़िया मंडी का मंदिर आ गए हैं और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो मतदान मतगणना होना है इस तरीके की घटिया तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जो आदमी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसको देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पूजा करते हों, उसको गाड़ने का की बात करता हो, इससे शर्मिंदगी क्या हो सकती है। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं ने उसी दिन ठान लिया था जब उनका इस तरीके का बयान आया था कि मट्टी में तो वह गड्ढे में नहीं गड़ेंगे लेकिन यह गड़ जाएंगे। ये परिणाम सामने आप लोगों के आ गया है। दूसरी बार आप विधायक चुने गए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे रह गए हैं, आगे देखते रहिएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है, आगे फिर होगा और उसी का परिणाम है कि इतनी भारी बहुमत से आप 8वें विधानसभा क्षेत्र को आप जीतते हुए पाए। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। आप किसी भी समय कोई दैवीय आपदा हो, कोई और समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष जनता के सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहे और इसी नाते से जनता ने पिछली बार से भी बढ़कर आशीर्वाद दिया। पिछली बार ही रिकॉर्ड बना था, उसे इस बार जनता ने तोड़ने का काम किया। मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और अपने इस संकल्प को दोहराता हूं कि जो प्यार और आशीर्वाद जनता ने इस बार चुनाव में दिया है, हम ब्याज समेत उसे जनता को चुकाएंगे। घर घर जाएंगे, उनके सभी काम हो, वो आराम से रहें, उन्हें सुशासन महसूस हो, ये हमारी जिम्मेदारी, हम इसे निभाएंगे। यूपी सहित 4 प्रदेशों में भाजपा की जीत का रंग चढ़ चुका है। भाजपा की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी की काशी में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। पूरी काशी भगवा में दिखने लगी है। यूपी सहित 4 प्रदेशों में भाजपा की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी की काशी में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। पूरी काशी भगवा में दिखने लगी है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर महिलाओं ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। पीएम मोदी ने होली से पहले ही होली मनाने की बात कही थी, अब भाजपा नेता भी वही कर रहे हैं। जगह जगह होली मनाई जा रही है, मिठाइयों का दौर लगातार चल रहा है। गंगा घाटों पर भी जश्न का नजारा दिखाई दिया। 80 घाट पर भाजपा समर्थकों ने जमकर ढोल की थाप पर डांस किया। दुर्गा कुंड इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जश्न मनाते दिखा गया। ढोल की थाप पर नाचते झूमते जश्न मनाने के साथ कार्यकर्ता आतिशबाजी भी करते रहे। राष्ट्र के विजय की जीत है
और सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद के को परास्त करने की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है और जातीय जो राजनीति होती है उस समीकरण को तोड़ने की विजय है। आज तक तो जातिगत राजनीति होती थी और एक रिकॉर्ड था कि कोई भी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, तो ये एक रिकॉर्ड है कि दोबारा पुनः हमारी भाजपा सरकार वापस आई है। एक ऐतिहासिक जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, राष्ट्रभक्ति की जीत है, विकास की जीत है। हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहेंगे जी। क्या कहना चाहेंगे? ये जीत तो ऐतिहासिक है और इसको हमको सहेज के संजो के रख के और निरंतर आगे बढ़ना है और हिंदू राष्ट्र की एक जो स्थापना के लिए हम अग्रसर हुए हैं उसको पुनः विश्व गुरु बनाकर भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित करना। बहुत ही खुश है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, हमारे भाजपा की जिस तरह से विजय हुई है उसके लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य का, हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा उत्सव और त्यौहार के रूप में है। आज हमारा हिंदुत्व बचा है, हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, हमारे धर्म की रक्षा हो रही है और आगे भी निरंतर होती रहेगी और इसी तरह हम चाहेंगे आगे हम सब इसके शासन में इनके पद चिन्हों पर हम लोग चलते रहे और हमारा हिंदुत्व की रक्षा होती रहे। रोहनिया में गौरा गांव में भाजपा गठबंधन अपना दल एसके प्रत्याशी डॉक्टर सुनील पटेल और उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बबुआ वीर बाबा का दर्शन पूजन करने के उपरांत एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डीजे पर भाजपा के गीतों पर डांस किया गया। अबीर गुलाल उड़ाते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पहले ही बोला था कि 2027 तक कोई भी हमारे सरकार को हिला नहीं सकता। हर हर मोदी, घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो मोदी है, योगी है तो योगी है। जी हम ये कहना चाहते हैं, ये जो जीत हुई है हमारी संपूर्ण महिलाओं की जीत हुई है। हमारे मोदी जी योगी जी जो महिलाओं के ऊपर भरोसा जताए और उनको आगे किए और उनको इतना सम्मान और इज्जत दिए, हम आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। 22 में ही नहीं 2027 में भी हम उनके साथ रहेंगे, सदैव उनके साथ रहेंगे और 22 में जैसे पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आई है 2027 में भी आएगी। मोदी योगी जिंदाबाद। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर विश्वास किया, ये जीत उस विश्वास की है, ये जीत उस एक लड़की की है जो अपने सुरक्षित महसूस कर रही है, ये जीत उन सारी महिलाओं को है जिन्होंने ये सारी योजनाएं मिली और आज वो महिलाएं अपने को जितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जितना स्वावलंबी महसूस कर रही हैं, ये जीत उन सभी मुद्दों को लेके है जो महिलाओं के ऊपर कभी किसी और पार्टी ने ध्यान नहीं दिया था। अगले 5 साल में मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे अब हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, आगे भी सुरक्षित रहें और जितना अभी गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, अन्य लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आगे भी सोचते रहें। जैसे जिस तरह से मोदी जी पे हमारी महिलाएं विश्वास की, उनको आगे ले आई और उनकी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा, एकदम निचले स्तर की महिलाओं के बारे में सोचा, उसको आगे बढ़ाने के लिए और एक समूह बनवाया, समूह के माध्यम से सारी महिलाएं एकजुट हुई और उसके वजह से वो आज पूरी महिलाएं एक हो के उनको लाने में इस समय अपने इस 2022 में वो मतलब अपनी पूरी भूमिका निभाई। इस तरह से मैं भी आगे भी चाहती हूँ मोदी जी से कि उसी तरह महिलाओं के बारे में सोचती रहे और आगे वो भी चाहेंगे कि 2027 में भी इसी तरह महिलाएं आगे भी, अगर मोदी जी महिलाओं के बारे में सोचेंगे, महिलाएं भी चाहेंगे कि यही सरकार हमेशा ऐसी बनी रहे। नारी शक्ति इतना मेहनत किए हैं, रात दिन एक कर दिए हैं कि नारी शक्ति आधी आबादी
पंचम लहरा गया है, नारी शक्ति वोट देकर पंचम लहरा दी है। पूरी भाजपा की सरकार जो बन रही है पूरी बहुमत से बन रही है, और हम लोग का मेहनत जो है हमारे महिलाओं हमारे जितनी महिलाएं हैं जी जान लगाकर रात दिन मेहनत की है, इसके लिए मैं सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ। सिगरा सिद्धगिरीबाग क्षेत्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि मनीष यादव के नेतृत्व में जुलूस निकाला। सिद्धगिरीबाग से ढोल नगाड़ों के साथ निकला यह जुलूस सिगरा सोनिया घूमते हुए मौलवी बाग यशस्वी साई कुंज अपार्टमेंट पहुंचा, जहां भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक संजय गुप्ता ने मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे 4 में अपना परचम लहराया है, और उत्तर प्रदेश में फिर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी बुलडोजर बाबा, जिनका नाम विरोधियों ने रखा था, पुनः वो सरकार बनाने जा रहे हैं, और लगभग 270 सीटों से हम लोग अभी आगे चल रहे हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि काशी की जो भी सारी सीटें हैं, अभी 8 सीट हैं जिसमें 7 में तो हम लोगों की एकदम क्लियर विजय दिख रही है, और 1 में अभी कांटे की लड़ाई है, लेकिन उम्मीद है कि 28वें चरण तक की गणना होते होते हम लोग उसमें भी जीतेंगे, और फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसी भी विषय में सारे लोग खुश हैं और मिठाइयाँ बट रही हैं, ढोलने जा रहे हैं। हमारी सरकार जो है दोबारी काम पे आ रही है, इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहा है, पूरा जनता की सहयोग रही है, और पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है, और हम लोग 270 के क्रॉस कर चुके हैं, और कांटे कहीं कहीं कांटे की लड़ाई भी है, और वो भी हम लोग जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है कि 280 तक जो है जाएंगे, और काम किए हैं और काम करते रहेंगे, और हमेशा 10-20 सालों के लिए हम लोग जो है कि एकदम भाजपा में बना दिया गया है। और यह वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. International Hindu School, CBSE से मान्यता प्राप्त, कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। किनोनिहालों का परिचायक अंकुरण, करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास तो आइए अंकुरण के साथ। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा लंका वाराणसी। गिव मी योर चिल्ड्रन, वी विल वर्क वेरी हार्ड एंड टर्न देम इनटू रिस्पांसिबल हार्ड वर्किंग एंड ब्राइट सिटीजंस ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट इंडिया नीड्स। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement.
बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे हैं। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव, सच के साथ। ओब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। धूम्रपान निषेध दिवस पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में जिले में नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान समेत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धूम्रपान निषेध दिवस पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में जिले में नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान समेत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को धूम्रपान से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में आगाह करते हुए इस लत से तौबा करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल बहुत सारे लोगों ने भविष्य में धूम्रपान न करने की शपथ ली। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था के सहयोग से 80 घाट पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को धूम्रपान से होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया। इसके साथ ही सलाह दी गई कि यदि स्वस्थ जीवन चाहिए तो हर हाल में धूम्रपान से बचना होगा। नुक्कड़ नाटक देखने के लिए 80 घाट पर जुटी भीड़ ने प्रेरणा कला मंच के कलाकारों की इस शानदार प्रस्तुति को काफी सराहा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने बताया कि धूम्रपान निषेध दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रमों का मकसद समाज में जागरूकता लाना है, ताकि लोग स्वस्थ जीवन के लिए इन आदतों को छोड़ सके। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शदाता डॉक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि धूम्रपान या तंबाकू सेवन आज किशोरों व युवाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। नशे की लत के चलते किशोरों में भी हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति बढ़ते जोखिम से किशोर व युवा वर्ग को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसको ध्यान में रखकर धूम्रपान निषेध दिवस पर शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय व पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों को धूम्रपान से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। हस्ताक्षर अभियान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के यादव, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साइकोलॉजिस्ट अजय श्रीवास्तव, स्वास्थ्य वर्कर संगीता सिंह, मानसिक कार्यक्रम के डॉक्टर रविंद्र यादव, आर्डियोलॉजिस्ट प्रशांत चौबे, आर्श काउंसलर शुभम श्रीवास्तव समेत अन्य चिकित्सा कर्मी शामिल थे। बुधवार को सुबह बनारस के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में 51 महिलाएं जो काशी में रहकर महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं को सम्मानित किया गया। बुधवार को 80 घाट के सुबह बनारस मंच पर बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर्वव्यापी नारी शक्ति सम्मान समारोह 2022 का आयोजन ट्रस्ट की चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा के नेतृत्व में बनारस की 51 महिलाओं को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित करने का कार्य किया। व यह महिलाएं हैं जो बनारस में रहकर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य करती हैं। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी व्यापार मंडल, मीना चौबे रही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनीता अरोड़ा, संदीप शर्मा, राजेंद्र पाल, नेहा दुबे, रश्मि विश्वकर्मा व मीडिया प्रभारी विकास गुप्ता, इंदु सिंह सम्मिलित रहे। संचालन नेहा शर्मा और शिप्रा डे ने किया। तो ये सारी महिलाएं, कोई भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है, इनका फोन आता है या किसी के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से भी सूचना मिलती है तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। चाहे बच्चों के पढ़ाई की बात हो, चाहे सिलाई की बात हो,
चाहे पारिवारिक अत्याचार की बात हो, आज के तारीख में कोई भी महिला अब निरीह शब्द कहना उनके लिए मुश्किल है। आज सभी महिलाएं जबरदस्त हो गई हैं, जबरी हो गई हैं, और हम लोग व्यापार मंडल से महिलाओं को शेरनी की संज्ञा देते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।